हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी? अच्छे हैं ना? तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी सुबह का मॉर्निंग रूटीन। ओके फ्रेंड्स, तो आगे तक मेरे साथ बने रहिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करना, वीडियो को एंड तक वॉच करना। अच्छी लगी तो वीडियो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना और कमेंट में लिख के बताना। ओके, तो चलिए आगे तक मेरे साथ बने रहिएगा। यहाँ पर सुबह सुबह का टाइम था तो कपड़े भी धोकर डाल दिए हम लोगों ने। यहाँ पर देखिए सारा मेरे साथ साथ काम कर रही है और मेरी बहन भी है मेरे साथ, और कपड़े डाल दिए हैं सारे। अब सारा की बारी है क्लिप लगाने की, तो हम लोगों को देती ही रही क्लिप लगाने, उसे अच्छा लगता है। तो नया पैकेट लेकर आए थे, वही खोल के वो लगा रही है, उसको बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए क्लाइमेट बहुत ही कूल हो गया था, तो बादल भी छा गया है अंधेरे से, तो कितना अंधेरा अंधेरा लग रहा था। तो हमारे घर के पीछे ही बैक साइड ग्राउंड है अरबी स्कूल के बच्चों का, तो बच्चे लोग आए हैं खेलने के लिए। सुबह सुबह 6:30 बजे आ जाते हैं बच्चे लोग, आधा घंटा फ्री होता है तो आते हैं खेलने के लिए। तो हम लोग आए थे, मेरी बहन और ज़ारा मैं ऊपर कपड़े धुल गए थे, तो वहीं हम लोग क्लिप लगा रहे हैं। ज़ारा को मैं बोल रही हूँ दो बोल के नहीं दे रही है, देखिए कितनी तेज़ हवा चल रही है, वो कपड़े सूखने के लिए डाल रही है मगर गिर रहे हैं सारे। ये देखिए मुझे क्लिप दो बोल के बोल रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं दे रही है। बहुत ही ज़ारा तो बहुत ही मस्ती करती है, बाप रे बाप। तो ज़ारा देख रही है बच्चे लोगों को, बच्चे लोग खेल रहे थे ना ग्राउंड में, तो बहुत अच्छा लग रहा था। हम लोग भी देखते ठहर गए थे, अभी देखते ठहरेंगे तो काम कौन करेगा घर में, किचन में हो ना। तो हम लोग आ गए हैं किचन में, यहाँ पे बन रही है बासमती राइस की खीर, तो मैं बना रही हूँ उसके साथ ही साथ चपाती नाश्ते में। तो बच्चे लोग खाएंगे तो स्कूल जाएंगे सुबह। तो बासमती राइस को मैंने पहले से आपको स्टार्टिंग से नहीं बताया था, मैंने बासमती राइस को आधा घंटा पानी में सोख करके रखी थी। उसके बाद मैं पानी को गर्म कर ली हूँ, अच्छे से पका ली हूँ पानी। पानी पकने के बाद मैंने इसमें चावल को ऐड किया है। चावल गल जाने के बाद मैं अब इसमें दूध ऐड करी हूँ, आधा लीटर, 1 लीटर की बना रही हूँ मैं, और आधा लीटर मैं इसमें बाद में डालूंगी। ओके, तो इसको अच्छे से पका लेंगे 10 मिनट तक, दूध का कच्चापन चले जाएगा। पहले ही मैं गर्म करी हूँ, फिर और एक मरतबा इसको अच्छे से पकाएंगे। ये देखिए 5 से 6 मिनट हो गए हैं पकते हुए दूध को। अब इसमें डालेंगे चीनी, चीनी मैं थोड़ी ही डालूंगी क्योंकि मैं इसमें कंडेंस मिल्क ऐड करूंगी। आप सिर्फ चीनी डालते हैं तो आप ज़्यादा डालिएगा, अपने हिसाब से चीनी आप डाल सकते हैं, क्योंकि मैं इसमें कंडेंस मिल्क भी ऐड कर रही हूँ, इसलिए मुझे जितनी लगती है उतनी मैं डाल रही हूँ। यहाँ पर है कंडेंस मिल्क, तो मैं इसे 2 या 3 चम्मच डालूंगी। इससे बहुत ही टेस्टी बनती है खीर। आपके पास ये नहीं है तो फीका खोया भी आप डाल सकते हैं, उससे भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। यहाँ पर मैं ले रही हूँ मैंगो फ्लेवर का कस्टर्ड, 2 चम्मच मैं ऐड की हूँ इसमें। इसमें थोड़ा दूध डालेंगे और अच्छे से इसको हिला देंगे, बिल्कुल भी लम्स नहीं रहने चाहिए इसमें। ये देखिए अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है, साइड में रख देते हैं मिक्स करके। यहाँ पर मैंने रखा है फूड लेमन कलर, आपको जो कलर पसंद है आप वो ले सकते हैं, मेरे पास यही था। ज़्यादा से ज़्यादा यही कलर की खीर बनती है तो बहुत अच्छी लगती है, सफ़ेद या ये बनाते हैं। तो इसमें ऐड करेंगे कस्टर्ड, कस्टर्ड ऐड करने के बाद चलाते ही रहना है चम्मच को, बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है तो लम्स आ जाएंगे। ये देखिए मैं इसमें कंडेंस मिल्क ऐड कर रही हूँ, 2 या 3 चम्मच ऐड करूँगी, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आपके पास नहीं है तो खोया आप ऐड कर सकते हैं, चलेगा। तो बिना खोया और कंडेंस मिल्क से भी बहुत ही टेस्टी बनती है खीर। ओके, यही डालना बोल के ऐसा कुछ नहीं था मेरे पास, मैं ऐड कर रही हूँ, आपके पास हो तो बहुत अच्छी बात है। अब मैं इसमें कलर ऐड कर ली हूँ, कभी कभी मैं भी बनाती हूँ तो कभी कंडेंस मिल्क होता है, नहीं तो खोया होता है, नहीं तो कुछ भी नहीं रहता है, तो दूध डाल के मैं बना देती हूँ। दूध से भी बहुत ही अच्छा आता है, फुल फैट मिल्क लेना चाहिए हमें, तो खीर बहुत ही अच्छी बनती है। यहाँ पर मैं 2 से 3 इलायची को क्रश करके डाल दी हूँ फ्लेवर के लिए। अब देखिए बन के तैयार हो गई है, मैं बाद में से ऊपर से इसमें दूध ऐड करूँगी। ओके, तब तक मैं यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स ले लेती हूँ, पहले ही मैं ड्राई फ्रूट्स को बना के रखी हूँ, ये 2 से 3 मिनट पकने देंगे। उसके बाद मैं यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स रखी हूँ, काजू बादाम पिस्ता चारोली खजूर है अखरोट है। मैंने इसको आधा घंटा सोख करके पूरा छिलका निकाल के घी में भून के पहले ही मैं फ्रीज़र में
रख ली थी एक कंटेनर में, तो मुझे जब भी जरूरत पड़ती है ना मैं थोड़ा थोड़ा लेके बनाती हूँ। जब भी मीठा बनाती हूँ ना तो ऐसा ही करती हूँ। आप लोगों को अच्छा लगा तो आप लोग भी ऐसे ही कीजिएगा, ओके। तो मुझे आसानी हो जाएगी, मैं इसलिए ऐसा की हूँ। 2 चम्मच में घी डाली थी, उसमें अच्छे से भून ली हूँ। ये देखिए तड़का लग चुका है, माशाल्लाह से खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है, घर में सारी फैल गई थी। तो 15 अगस्त था तो बच्चों के लिए कुछ मीठा बनाना है ना, इसलिए तो हम लोग जा रहे हैं ज़ारा के स्कूल। तो बाहर का मौसम तो बहुत अच्छा लग रहा था, इसलिए ज़ारा देखते बैठी थी, फैन देख रही थी ज़ारा। मैं आप लोगों को नहीं दिखा पाई ज़ारा को। तो यहाँ पे स्कूल आ गए हैं, ज़ारा का स्पीच चल रहा है। तो यहाँ पे उसकी फ्रेंड है जो ग्रीन ड्रेस में है, वो वाइट ड्रेस में है ना, तो मेरी बेटी ज़ारा है। माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी लग रही थी, सारे बच्चे अच्छे लग रहे थे, और ज़ारा ने स्पीच बहुत अच्छा बोला था, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोगों को ये व्लॉग देख के अच्छा लगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कुछ प्रॉब्लम के वजह से वीडियो नहीं आया था, तो मैं इसलिए अभी शेयर कर रही हूँ। तो अल्लाह हाफिज़, बाय।